एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेरिकल सिस्टम या डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, जिसका नाम है एनसी सिस्टम। एनसी सिस्टम, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, एनसी सिस्टम बेसिक क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोडिंग के रूप में डालेंगे और वहां पे आउटपुट को प्राप्त करेंगे हाईली एक्यूरेसी के साथ में। तो यहां पे आज हम इसके डिसएडवांटेज भी समझेंगे। सबसे पहले हाई मशीन टूल कॉस्ट, इसके जो भी मशीन के टूल्स हैं उनकी कॉस्ट कन्वेंशनल मशीन्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई होती है। कन्वेंशनल मशीन्स में लेथ मिलिंग बोरिंग, ये कन्वेंशनल मशीन जब उनको सीएनसी के साथ में जोड़ दिया जाता है, उनके जो टूल्स होते हैं वो उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट है नीड स्पेशल ट्रेनिंग। जो न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम है, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसको ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। स्पेशल ट्रेनिंग पे हमें अलग से पैसा खर्च करना पड़ता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें भर्ती करेगा पर्संस को, एम्प्लॉयज को, तो वहां पे एज ए ट्रेनर के रूप में, एज ए ऑपरेटर के रूप में, एज ए वर्कर के रूप में, तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उस एनसी सिस्टम के रिगार्डिंग। आइदर जो कन्वेंशनल मशीन है उनको रन करना इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा इजी होता है। हालांकि एक बार किसी पर्सन को प्रॉपर ट्रेनिंग मिली और प्रॉपर ट्रेनिंग को उसने अडॉप्ट किया, उसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो एक्यूरेसी का जो लेवल रहेगा वो बहुत हाई रहेगा। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज होता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाईली स्किल्ड पर्सन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने एनसी सिस्टम को अडॉप्ट किया तो उसको मस्ट है हाईली स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। वो हाईली स्किल्ड पर्सन जो उस मशीन को प्रॉपरली ऑपरेट कर सके, उस मशीन को प्रॉपरली रन कर सके। एक्यूरेसी का जो लेवल है वो तो मशीन रखेगी, लेकिन बेसिकली क्या है, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग डलेगी वो प्रॉपर हो, वो प्रॉपरली उस पर पर्सन जो केयर करे, किसी प्रकार की इनपुट्स में गड़बड़ ना करे, तो हाईली जो स्किल्ड पर्सन है मशीन के रिगार्डिंग उनकी आवश्यकता इसमें होती है। लास्ट है इसमें नीड हाई इन्वेस्टमेंट। हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है एनसी सिस्टम, एनसी सीएनसी डीएनसी एज कंपेरिजन टू कन्वेंशनल मशीन्स के, इसमें बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इनिशियल जो कॉस्ट है इसकी बहुत ज्यादा हाई है। इसके अलावा मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई है। मान लीजिए मशीन कभी गलती से खराब हुई, मशीन में कोई प्रॉब्लम आई, किसी इनपुट की वजह से वहां पे गलती हुई, तो उस पर बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। और बहुत नॉर्मली इसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए सर्विस इंजीनियर्स नहीं मिलते हैं, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है कि इजिली सर्विस इंजीनियर्स नहीं मिलने पाते हैं। आजकल तो बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है, जब स्टार्टिंग हुई थी एनसी सिस्टम की तो बहुत मुश्किल था जो सर्विस वाले पर्सन है उनको लाना या उनको फाइंड करना। इसके अलावा सबसे मेजर जो डिसएडवांटेज, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मेजर डिसएडवांटेज एनसी सिस्टम का यही होता है, रोजगार लगातार कम होते जा रहे हैं। और रोजगार लगातार क्यों कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सेंटर से, एक कंप्यूटर से सारी मशीनें ऑपरेट हो सकती है, इसलिए जो पर्सन से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनकी भी बहुत कम इसमें नीड होती है, तो मशीनीकरण का ज्यादा युग हो चुका है। तो इस प्रकार बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप और डिसएडवांटेज में कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डाउन टाइम, जब मशीन कंटिन्यूअसली रन कर रही थी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई, तो जब मशीन डाउन टाइम में रहेगी तो वो वर्किंग का जो टाइम है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि उस समय वो वर्क तो प्रॉपरली करेगी नहीं, वर्क प्रॉपरली नहीं करेगी तो मशीन खड़ी रहेगी, तो मशीन से जो आउटपुट हमें मिलनी थी वो कंप्लीटली क्लोज हो जाएगी और बहुत इजिली इसका सर्विस इंजीनियर हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो ये इसकी एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा एनसी जो है इट एम्प्लॉयज ए कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, एक बहुत कम्प्लेक्स ही टेक्नोलॉजी है, तो मेंटेनेंस जो प्रॉब्लम है वो इसमें बहुत इजीली नहीं होने पाती है, मेंटेनेंस करना भी इसकी बहुत बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज भी होते हैं किसी सिस्टम के, लेकिन एज कंपेरिजन टू प्रीवियस थिंग्स के इसके एडवांटेज ज्यादा है। तो ये हमारे पास था डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूमेरिकल सिस्टम। थैंक यू दोस्तों।